नीट और UGC परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। विपक्ष हर ओर से केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। मामले की जोर पकड़ने पर कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 20 जून को इसकी आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक पहुंच गई। बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस मामले में तेजस्वी यादव के निजी सचिव की भूमिका का आरोप लगाया है। इससे सियासत में उबाल आ गया। उनका आरोप है कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव ने पेपर लीक में शामिल आरोपियों के लिए NHAI के गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था। हालांकि विजय सिन्हा का दांव उल्टा पड़ गया और यह बयान ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। NHAI ने बयान जारी कर पटना में किसी तरह के गेस्ट हाउस के होने से इनकार कर दिया है। इसके बाद राजद ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रुक पा रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इसराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है, जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं। मैं जानता हूं कि आप इन एग्ज़ाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। राहुल गांधी और विपक्ष के तेवरों से साफ है कि लोकसभा के आने वाले सत्र में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। विपक्ष केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर जमकर घेरने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।